हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुसार जालौर शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान का शुभारंभ पूर्व प्रदेश महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुखराज पाराशर द्वारा किया गया। साथ ही साथ शहर में कांग्रेस कमेटी की तरफ से मास्क वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष शुभा कांग्रेस एवं नगर परिषद पार्षद लक्ष्मण सिंह सांकला ने बताया कि पूरे भारत में राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन किया है, साथ ही साथ जनता के स्वास्थ्य को लेकर गहलोत सरकार गंभीर एवं सतर्क है। हाल ही में अशोक गहलोत जो कि नो मास्क नो एंट्री के महाअभियान को पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा भारत के बाहरी देशों में भी हो रही है, इसी अभियान को देखते हुए जालौर में भी इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जालौर शहर में 5000 मास्क वितरण किए गए तथा साथ ही गांधी जीवन दर्शन समिति सायला में ब्लॉक समन्वयक सुल्तान खान भाटी ने 20000 मास्क वितरण का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ शहर में जन जागरूकता के लिए 200 छोटे फ्लेक्स बैनर दुकानों पर एवं भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगाए गए। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस नैन सिंह राजपुरोहित, नगर अध्यक्ष जुल्फिकर अली भुट्टे, पीसीसी सदस्य ओम सिंह चांदराई, जालौर ब्लॉक अध्यक्ष जवाना राम माली, पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस सुल्तान खान भाटी, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सोलंकी, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत दवे, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुरेश मेघवाल, पार्षद बसंत सुतार, पार्षद अफरोज खान, पार्षद भरत सुतार, नवीन सुतार, सलीम मोयला, बंशीलाल सोलंकी, सुरेश सोलंकी, मांगीलाल गर्ग आसाना, महेंद्र सोनगरा, महेंद्र प्रजापत, रूपाराम आकोली, फूसाराम माली, कानाराम सिंघल, समेला राम सोलंकी, धीरज गुर्जर सहित अनेकों अग्रिम संगठन के पदाधिकारी गण कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।